नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया की स्थिति इस समय बेहद ही ख़राब है। उम्मीद थी कि पहली पारी में टीम इंडिया 500 से ज़्यादा रन बनाकर किसी तरह मैच बचाने या फिर मैच में वापसी करने की कोशिश करेगी, पर हुआ बहुत ही उल्टा। महज 250 रन के भीतर ही टीम इंडिया ने 6 विकेट गंवा दिए हैं और इस समय क्रीज पर टिके हुए हैं सुंदर और अश्विन, यानी कि प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और अब बस पुछल्ले बल्लेबाजों पर उम्मीदें टिकी हुई है कि किसी तरह से टीम इंडिया अगर 350 रन भी बना लेती है फिर भी भारत लगभग 270-280 रनों से पीछे रह जाएगी, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इस समय भारत 74 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 257 रन बना चुका है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। इंग्लैंड से 578 रन के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहली पारी में रोहित शर्मा के रूप में शुरुआती झटके लगा। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को 29 रन के स्कोर पर कैच आउट करवाया। इसके बाद डोमिनिक बेस ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को 11 रन पर आउट किया, जबकि अजिंक्य रहाणे भी डोमिनिक बेस की गेंद पर सस्ते में आउट होकर वापस लौटे। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा 143 गेंदों का सामना करते हुए 73 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके लगाए। पुजारा ने पंत के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दोनों खिलाड़ियों के बीच 118 रनों की साझेदारी हुई। पुजारा के आउट होने के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत शतक से चूके 91 रनों की पारी खेली। पंत ने अपनी पहली पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए। पंत का विकेट भी डोमिनिक बेस ने ही लिया। उनकी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में पंत ने जैक लीच को आसान सा कैच थमा बैठा। आपको बता दें, ऋषभ पंत चौथी बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। बहरहाल, कल का यानी कि चौथा दिन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। अगर भारत को मैच जिताना या फिर बचाना है तो हर हाल में विकेट पर टिकना होगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।